आज का व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं पार्लर पे जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। कल करवा चौथा इस वजह से, तो अभी मैं पार्लर पे चलती हूँ, फिर वहाँ पे चल के देखते आगे। ओके आए नहीं कोई। पहुंचा देता है, ढूंढती उन लोगों को छोड़ देता है और उसे एक नेक काम करने की वजह से मुक्ति मिल जाती है। अभी तक पार्लर पे कोई आया नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ रही हूँ। कोई कस्टमर आएंगे तो देखी जाएगी। ऐसे कोई भी एक कस्टमर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम यहाँ काम कर रहे हैं। पालक देखो पहले तो। उधर भी है, उधर भी काम कर रही है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैं पार्लर में हूँ, पार्लर में पहुँच गई थी। तो हुआ ये कि पार्लर में जाने के बाद पहले तो कोई कस्टमर नहीं था वहाँ पे, और मतलब 10 या 11 बजे हुए थे तब तो कोई कस्टमर था ही नहीं। और फिर बाद में अचानक से कस्टमर आने शुरू हो गए, और फिर भाभी ने मुझसे बोला कि आप मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दो और मतलब थोड़ा जल्दी लगाना, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, एकदम से कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं। सुबह सुबह के टाइम में कोई नहीं था, बट अचानक से आने शुरू हो गए, क्योंकि सुबह के टाइम में ये होता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो घर के काम वगैरह में बिज़ी रहती हैं, फिर एकदम से सब भी फ्री हो के सब आते हैं। फिर तो एकदम से आने स्टार्ट हो गए, और मतलब मुझे वहाँ पर कोई था भी नहीं कि कोई व्लॉग बनाता मेरा, सूट करता, मैं मेहंदी लगा रही थी उस वक्त, या मैं खुद कर पाती, ऐसा नहीं था। और ऊपर से वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी कि मैं व्लॉग सूट नहीं कर पाई। तो मतलब इतना भी टाइम नहीं था कि मैं मेरी खुद की जो मैंने मेहंदी लगाई थी लेडीज़ को, मैं उनकी पिक्स ले पाती। 2 या 3 की ली थी, वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी, तो आप लोग उसको देखना और मतलब बताना मुझे कि आपको मेहंदी कैसी लगी मेरी लगाई। मतलब मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बस खुद ही आ गई है। तो मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ इतनी, बट ये है कि भी थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग डिज़ाइंस को देखना और फिर बताना कि कैसी लगी आपको, मतलब मेरे डिज़ाइंस कैसे लगे मेहंदी के। और मतलब कि ये था, वहाँ पे पार्लर के बाद मैंने भाई के पास कॉल किया घर जाने के लिए, लगभग 7 बज गए थे शाम के। और तो भाई ने बोला कि अभी मतलब मार्केट में भी चलना है, तेरे भाई और भाभी आ रहे हैं, दूसरे भाई का फ्रेंड है, तो उनकी जो वाइफ है मेरी भाभी, उनको आंटी के लिए सूट लेना था, क्योंकि जैसे करवा चौथ पे लेते हैं ना,
मतलब ये बहुएं अपनी सास के लिए भी लेती हैं, तो उनको भी लेना था। तो वो बोले कि हम मार्केट में चलेंगे, तो वहाँ से फिर हम मार्केट में जाते हैं। तो और ये सारा सामान लेने के लिए, शॉपिंग वगैरह करने के लिए, जैसे सूट वगैरह हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं, मुझे सब कुछ तो नहीं पता, बस उनको पता था, तो वो उनके साथ हम गए थे। तो अभी आप देखो आगे कि हमने मार्केट में क्या क्या चीज़ें ली और क्या मतलब क्या क्या शॉपिंग आ जा आ जा, कोई दिक्कत नहीं। ये शॉपिंग चल रही है। अरे मैं क्यों बोलूँ, इसने बोलना चाहिए, इसका भी लोग है। इसे दिखा, लो पकड़। हाँ के है, ले लिए दही कौन, ले दही मिली कौन, दूसरी दुकान पर देखा। हेलो, ठीक है, चाय पीनी है। कौन सी ले? अरे छोड़, मोमोज मांगे हैं, मोमोज मांगे हैं, खर्चा क्या करें, इसमें की कैमरे चालू कर। आप पे हो गया, अरे बोले थे यार। कल आके यार यूट्यूब पे मेरा साइज दे दे। अंकल इन दोनों में से दे दो एक एक। तो कहते कि मैंने ली है रिप्ले, ना तो कहते मैंने ली है, अपने लिए किसी से के लिए। एंगलेट्स है, मैंने दो लिए, एक सिस्टर की एक मेरी। एंगलेट्स 20 रुपीस बहुत सस्ता है, हम यूट्यूबर ना, बहुत सस्ते हैं। तने के लिया था मैंने, लगा लो आप 70 रुपये में, काट लेना पैसे। मम्मी बन पा रही है, दे फिर पैसे दे तू। सजना करे उन सर नान का किराया तो हैगा, पर कोई वजह नहीं है। तेरे शहर आने का सजना, तेरे शहर आने का किराया तो हैगा, पर अफसोस कोई वजह नहीं। क्या है मेरे घर में तो लाएंगे चूड़ियाँ लेके आएंगे। ये बंधन तो माँ बेटे का बंधन। हाय हाय हाय, इसक कलर के सूट ही नहीं, तो कड़े तो मिल सके। कड़े दिखा दो, कलर इस कलर कड़े हो।
होटल आइडिया थ्री जी। तो यहाँ से इस शॉप से हमने आंटी के लिए बैंगल्स ले ली थी और मतलब बाकी का सारा सामान आगे वाली शॉप से ले लिया था, जैसे नेल पेंट हो गई, लिपस्टिक, बिंदी वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं मतलब मेकअप की, वो सारी ले ली थी। और सूट जो हमने लिया था उसका व्लॉग, उसको भी मतलब व्लॉग में नहीं ले पाए मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी लिया था सारा सामान और रात हो चुकी थी, तो जो शॉप्स है ना वो बंद हो रही थी, तो मतलब ये होता बस जल्दी जल्दी ले लो और बस चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि दुकानें बंद हो रही थी और ज़्यादा टाइम नहीं था। और फिर बैंगल्स लेने के बाद फिर हम गए थे ये कुम्हार की दुकान पे, जहाँ मिट्टी वगैरह के वो मिलते हैं ना, उधर से एक करवे के लिए वो छोटी सी मटकी सी लेते हैं, तो वो लिया हमने अभी आगे। तो चलो देखते हैं कि हम वो कैसे लेते हैं, कौन सी लिए, ठीक है। दिखो नहीं सही दिखो हो कोई नहीं। आ, लक्ष्मी लक्ष्मी तो इसका नाम है लक्ष्मी चला दिवाली पे मेरी फोटो खींच के अपने घर में ला लियो बस है। चलो अब घर चलते भाई, शॉपिंग हमने कर ली थी, शॉपिंग ख़त्म हो चुकी थी और फिर अब घर आ रहे थे, तो मैंने भाई को बोला भाई गोलगप्पे खिलाते, गोलगप्पे का नाम लेते ही कैमरा बंद कर दिया उसने लेकिन ऐसा नहीं है, खिलाए थे उसने बाद में, हमने खाए थे गोलगप्पे खाए थे। और फिर उसके बाद हम घर आ गए, तो मतलब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको मुझे मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू।
और जो डेली देखते भी मेरे व्लॉग्स को, थैंक यू उनको सो मच। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये भी सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स करोगे तो ये होगा कि आगे चल के अच्छे अच्छे और भी अच्छे तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी, और शायद कुछ मतलब वीडियोज़ और भी ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।